अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, अभी अभी कुछ लम्हों पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेवस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें अपना खिताब जो है वो ख़त्म किया है, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के पहले ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर अपने खिताब का आगाज़ ही क्लाइमेट चेंज से करते हैं। UNGA में भी हमने देखा क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया था, और आज के अपने इस खिताब में भी उन्होंने काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट चेंज पर जो है एम्फेसिस रखा अपने खिताब का। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो इसके खतरात और इकदाम हैं उस पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है दुनिया को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि जो इलाका है, जिस इलाके में पाकिस्तान वाकई है, जो इसकी रीजनल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पर जो रीजनल क्राइसिस है उसके हवाले से भी बातचीत की। और वजीर आजम इमरान खान ने अफगान जंग पर बात करते हुए कहा कि अफगान जंग, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अफगान जंग से हमें ड्रग्स और क्लैशनकोफ कल्चर जो है वो मुल्क में आया, उन्होंने जब कल खिताब किया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जब जंग छोड़कर गया वॉर ऑन टेरर, तो हमें नतीजे भुगतने पड़े और हमें सुसाइडल अटैक कल्चर जो है वो मिला 9/11 जंग के बाद। और फिर कल वजीर आजम इमरान खान की जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, उसमें एक बार फिर इमरान खान ने कश्मीर के मसले पर भारत से मामलात हल कराने पर जोर दिया, जिस पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त पर हमारी गहरी नजर है, वी आर क्लोजली वॉचिंग इट। और इमरान खान से दोबारा मुलाकात पर खुशी हो रही है, हम पाकिस्तान के इतने करीब पहले नहीं थे जितने के अब हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वाजे तौर पर किस किस्म की जो है वो मेडिएशन करने को तैयार हैं कश्मीर के इशू पर, सिर्फ जिसे कहना चाहिए कॉस्मेटिक जो है रिमार्क्स, वो कमेंट्स वो हमारे सामने आए हैं, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका कहना है कि अमेरिकन प्रेजिडेंट ने अश्योरेंस करवाई है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अब देखते हैं कि इस दफ़ा ये मटीरियलाइज होता है या नहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ पहले भी कहा गया था US प्रेजिडेंट की जानिब से। साथ साथ हमने देखा कि आज जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल है उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत में अमन होगा तो वसाइल गुर्बत के खात्मे पर खर्च होंगे, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के बायस पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत पैदा हुई। इसके अलावा इमरान खान ने यूट्यूब के जो CEOs हैं उन समेत जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के दूसरे लीडर्स थे उनसे भी काफ़ी मुलाकातें की, IMF की प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। और साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान FATF की सिफारिशात पर जो अमल दरामद करता नज़र आया है, जिसमें कि कहा गया है कि काफ़ी हद तक अमल कर चुका है पाकिस्तान, जिसके बाद अब ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात पाकिस्तान के रोशन होते नज़र आ रहे हैं। FATF ने पाकिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार भी कर दिया है, और इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप का सेशन जारी है FATF के हवाले से, उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेट्स सी के फाइनल प्रोडक्ट क्या हमारे सामने आती है। साथ साथ हम क्विकली टच बेस करेंगे मुल्क में इस वक्त आटे के बुहरान के मसले के ऊपर, जो कि हुकूमत से हल होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रोटी और नान की प्राइसेस जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में जो चक्की मालिकान हैं उन्होंने गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल की कॉल देते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। अब आटे के बाद दालों की कीमतों में भी इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं, और हुकूमती वुजरा का कहना है कि मुल्क में गंदम की किल्लत है और ना ही आटे की, बल्कि ये तमाम बहरान मस्नूई पैदा करदा है। सवाल अब यहाँ ये उठाया जा रहा है कि अगर मस्नूई बहरान पैदा किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होती है कि किसने ये मस्नूई बहरान पैदा किया है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद कहाँ खड़ा नजर आ रहा है, क्यों तितर बितर होता नजर आ रहा है, और हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से क्यों नाला नजर आ रहे हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो डिस्कशन, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काजी अहमद अकबर साहब, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब नवेद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
अभी जैसा कि आपने देखा कि कुछ देर पहले ही वजीर आजम साहब ने अपना खिताब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, उसका जो है हमने उस खिताब को देखा, वो अभी खत्म हुआ है। हम पहले आपको मीटिंग जो होती है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान कल, हम उसकी कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाना चाहेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस। Thank you very much, and it's great to be with a very good friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. And we're working together on some borders, and we're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India. And if we can help, we certainly will be helping. And we've been watching that and following it very, very closely. But it's an honor to be with my friend, and thank you very much. Thank you. Well, Mr. President, good to see you again. And yes, there are issues we want to talk about. The main issue, of course, is Afghanistan, because it concerns the U.S. and Pakistan. And fortunately, we are on the same page. Both of us are interested in peace and an orderly transition in Afghanistan with the with talks with Taliban and the government, and also, of course, India. It is a big issue for us in Pakistan. It's a big issue, and of course, we always hope that the U.S. would play its part in resolving it, because no other country can. I wanted to say hello. For both a relationship standpoint, we've had a great relationship, and from the standpoint of our two countries, we're getting along very well. I would say we've never been closer with Pakistan than we are right now. And that's a big statement, although I wouldn't say at all times we were close as a country. But we are very close right now because of the relationship that we have. So it's very important. जी, जैसा कि अभी आपको हमने वो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स दिखाए उस मीटिंग के जो कि कल हुई है, और इस वक्त हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो है खिताब किया था, कल उनकी यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मीटिंग होती है यूएस प्रेसिडेंट के साथ, इस मुलाकात में एक बार फिर जो वजीर आजम इमरान खान है वो कश्मीर के इशू पर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो दिलाते हैं, और उस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कहते हुए नजर आए कि हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन को। अब पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकातें दो बार ऑलरेडी हो चुकी हैं, और दोनों बार ही ट्रंप की जानिब से मेडिएशन या सालसी के किरदार अदा करने की बात होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इस बार क्या मुख्तलिफ होगा या क्या कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, जो वजीर आजम का डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से? देखिये नीलम, बेसिकली बात यह है कि कल बिल्कुल इट्स वेरी खुश आइन के दोबारा मुलाकात हुई, प्लेजेंटरी डिस्कशन हुई, वर्ड्स कहे गए, लेकिन बात यह कि प्रेसिडेंट ने दोबारा ये कहा जी कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। द इशू ये हम पिछले दो तीन मीटिंग में भी हमने सुने, वी वांट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन कि इसके आगे क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ये वादे सुन लिए, बात भी सुन ली, अगर अमेरिका चाहे सालसी का किरदार अदा करना या इंडिया को कहे कि कश्मीर में जुल्म बंद करो, आप यहाँ पर कर्फ्यू ख़त्म करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं वो ख़त्म करें, तो फिर अमेरिका इंडिया में थिंक 100 टाइम बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सो हमें अब अल्फाज नहीं चाहिए, वी वांट एक्शन, और एक्शन चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को एटलीस्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा जी कि वी आर देयर फॉर यू, वी वांट इन अफगानिस्तान एंड वी कैन गो टू एनी एक्सटेंड आपको हम सपोर्ट करने के लिए, और हमने किया भी है। बट द ओनली थिंग इज ऑनेस्ट इज ऑन अमेरिकन के ट्रंप ने कौन सा कोई फिजिकल स्टेप लिया, या वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे हम ये कहें पाकिस्तान की कौम ये समझे कि अमेरिकन आर सिंसियर टू एट लीस्ट डिफ्यूज सिचुएशन अलॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके लिए पहला स्टेप यही है कि कश्मीर के हालात कम अज कम इमीडिएटली कर्फ्यू उठाया जाए, ह्यूमन राइट जो वायलेशन है वो खत्म कर दी जाए। तो एक तो ये बात जिससे मुझे नजर आता है कि ये वही रेटोरिक है, कोई इसमें नई बात नहीं है जो कि होनी चाहिए थी।
फिर ट्रम्प ने वही बात की साले से की प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल अफगानिस्तान में पहले all भी right. किया। मैं यहाँ पर ऑपोजिशन का भी पर्सपेक्टिव ले लूं, फिर हम हुकूमत की जानिब जाएंगे। यहाँ पर सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, अब हम देख रहे हैं कि फिर से वजीर आजम की जानिब से अपनी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर इशू को हाईलाइट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर है, अगर हम मदद कर सके तो यकीनी तौर पर करेंगे, लेकिन उन्होंने अब ये नहीं बताया कि कब और किस किस्म की मदद की जाएगी। इस हवाले से हमने जैसे कि पहले भी कहा कि पहले क्या कुछ किया जा चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, तो फिर हम मजीद डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कह रहे हैं, उससे दोबारा से क्यों मदद मांग रहे हैं और फिर दोबारा से क्यों तवक्कुआत रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है और वो अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालना चाहता है और ईरान के साथ जंग छेड़ना चाहता है। वो सिर्फ पाकिस्तान को एक लोलीपॉप दे रहा है कि जी मैं आपकी सुलह कराना चाहता हूँ। वो समझता है कि पाकिस्तान का वीक पॉइंट यही है कि वो पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट है, भाई हमारे एरिया सुलह हो जाए, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो वो इसलिए कह रहा है। वरना अमेरिका तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जज्बात रखते हैं, वो ब्रिगेडियर साहब को भी पता होगा, सारे दोस्तों को पता होगा। तो हमें अपने हालात को देखकर फैसला करना चाहिए, हमें किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो उस वक्त कहा जा रहा था कि मैं सालसी करूंगा, और उसके फिर तकरीबन 15-20 दिन बाद 5 अगस्त को जो मोदी ने जो पार्लियामेंट से कश्मीर की हैसियत उसकी स्टेटस ही चेंज कर दिया और फिर 170 दिन से वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। तो अगर उसको ट्रंप को ये कहना चाहिए कि अगर कम अज़ कम ये करा दें कि और कोई नहीं तो वहाँ से कम अज़ कम कर्फ्यू तो उठा दें, वहाँ भी इंसान है, वैसे तो ह्यूमन राइट्स के बड़े वायलेशन के बड़े ये खेल बनते हैं अमेरिकन और यूरोपियन सारे, लेकिन इंडिया में जब 80 लाख मुसलमानों को जो कर्फ्यू लगा रखा है, वहाँ खाने पीने की शाह का मसला है, सेहत का मसला है और बच्चों के साथ ज्यादती हो रही, खवातीन के साथ जा रहे हो, रेप्स के केस हो रहे हैं, दुनिया के उधर कोई तोजो नहीं जाती और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख के वो एयरबेस देना चाहता है और ईरान के साथ वो छेड़छाड़ करना चाहता है। और मेरे ख्याल में मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम साबित कदम रहेंगे और अमेरिका की किसी कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन क्या ऑलराइट नवेद चौधरी साहब, क्या ये बात एडमायरेबल है कि वजीर आजम जो है वो दो टोक अंदाज में जब भी उनकी मीटिंग होती है या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं वो कश्मीर इशू को जरूर रेस करते हैं और दो टोक अंदाज में हमने देखा इस वक्त डेवोस पर भी जब उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म से खिताब किया या इंटरनेशनल मीडिया हाउस से जो है बातचीत की, उसमें बड़ा दो टोक अंदाज में मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जो आरएसएस आइडियोलॉजी है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, इसमें वो झिझकते नजर नहीं आते, इसमें वो बड़े वोकल नजर आते हैं हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इतना हाईलाइट होना कश्मीर इशू का हर लेवल पर और प्रेजिडेंट ऑफ यूएस के सामने दो दफा इस जिक्र को लेकर आना, क्या ये एडमायरेबल कहा जा सकता है? इसको एडमायर नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके एक्शन और रिएक्शन में फर्क नजर आ रहा है। आपका एक्शन क्या है कि आपके स्लोगन तो बहुत अच्छे हैं, आप स्पीच में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है? हम हर दफ़ा ट्रंप साहब को ये कहते हैं कि जी किसी ने किस तरीके से हमें इससे बेल आउट कराएं। मेरी अभी हालिया कुछ 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी एलिस वेल्स से, वो भी क्योंकि इंडिया से वापस आई थी और वो भी यही बातें वहाँ भी डिस्कशन हो रही थी। हम समझते हैं कि हमें हमारे यहाँ डिप्लोमेसी उस लेवल पे नहीं जा रही जिस लेवल पे इंडिया को हमें एक्सपोज करना चाहिए था। हमें कश्मीर के इशू के ऊपर इंडिया को वो चीज़ों पे एक्सपोज नहीं कर सके जो इंडिया वहाँ कर रहा है। ये तो कश्मीरियों का हिम्मत है कि वो एक जद्दोजहद की आज़ादी की जंग लड़े हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के जो वर्ड जो आते हैं कि जी आई एम गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल, उससे क्या हुआ? पहले जो इम्पॉर्टेंट रोल से जो हुआ तो यही आज होगा, इट्स जस्ट ए लिप सर्विस एंड नथिंग एल्स। असल बात यह है कि हम अभी तक आइसोलेशन में पड़े हैं, हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं इस लिहाज से कि ईरान के मामले में या सऊदी अरेबिया के मामले में जो हमारा रोल था कौलालंपुर वाला वो आपके सामने है। अफगानिस्तान एक बेन इशू है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन हम किस प्राइस पे करने जा रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खाली
वर्ड से नहीं कुछ होता। क्या हम अपने कार्ड सही प्ले नहीं कर रहे? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हम हुकूमत से रिस्पॉन्स लेते हैं। काजी अहमद अकबर साहब, आपने ये तमाम पर्सपेक्टिव सुने और हमने देखा कि वजीर आजम ने अपने इस विजिट के दौरान जिस प्लेटफॉर्म पे बात की है उसमें दो बातों को बड़ा हाईलाइट किया। अभी भी कुछ देर पहले भी उन्होंने इसका तस्करा किया। एक तो वो कह रहे हैं कि हमने जो अफगानिस्तान में हम जिस जंग का हिस्सा बने अफगानिस्तान में, उसके बाद जो एफ्टरमैथ थे उसमें हमें मिलिटेंट ग्रुप्स मिले, उसमें हमें क्लाशनकोव कल्चर मिला, उसमें हमें ड्रग्स मिले जिनको कि हमें डील करना पड़ा। सेकंड, उन्होंने कहा कि हम 9/11 के बाद हम फिर वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनते हैं, जिसके एफ्टरमैथ में हमें एक दफ़ा से फिर सुसाइडल अटैक्स जो हैं उसका कल्चर मिलता है और 70,000 जो है हम कीमती जानों का लॉस फेस करते हैं और इकोनॉमिक लॉस जो है वो एक अलग है। तो अब ये क्या पाकिस्तान बार बार बता रहा है, वजीर आजम बार बार बता रहे हैं कि जिन दो दफा हम जंगों का हिस्सा बने उसके बाद हमारे साथ ये क्राइसिस साथ आए, अब पाकिस्तान अफगान पीस टॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ लोग कुछ दो का सेटलमेंट करके अमेरिका से अफगानिस्तान पीस टॉक के बदले में कश्मीर इशू पर जो है कुछ लेने की या कुछ देने की पोजीशन में आ सकता है, अपने कार्ड्स अगर वो राइट फॉर्म में प्ले करें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नीलम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच है, और बार बार ये डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है कि बार बार अपने मौकफ़ को दुनिया के सामने हैमर करना, उनको अपने मौकफ़ को इस तरीके से बयान करना कि उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब का जो, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली जो ये कन्वे करना चाह रहे थे, वो अमेरिकन्स को ये कन्वे करना चाह रहे थे कि हम अगर आप ईरान के खिलाफ किसी किस्म का या इस खित्ते में कोई भी एडवेंचर करेंगे तो हम पीस के साथ तो चलने के लिए तैयार हैं, हम अमन के साथ तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के बाद पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा, किसी की जंग में किराएदार बंदूक का किरदार अदा नहीं करेगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी हमने सोवियत यूनियन के केस में अफगान वॉर में बहुत बड़ा खमियाजा भुगता और हमारी सोसाइटी एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ गई। फिर 9/11 के बाद हमने जो इतनी जानों का खमियाजा भुगता और उसके अलावा जो अरबों डॉलर्स हमारी इकॉनमी आज तक उससे रिकवर ही नहीं कर पाई। तो ये एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस ये है कि जी इसके बाद हम वी विल स्टैंड विद पीस बट नॉट विद वॉर। कोई भी अगर वॉर के एडवेंचर की तरफ जाएगा दुनिया में तो पाकिस्तान उसके साथ साइड नहीं करेगा। तो अमेरिका हैज बीन गिवन अ वेरी क्लियर सिग्नल। दूसरी बात है कश्मीर के हवाले से, तो मैं यहाँ पे अर्ज करता जाऊँ कि कश्मीर को मैं जनरली दो पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। एक तो ये है कि कश्मीर को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर उसकी जंग लड़नी है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं कश्मीरियों का सफीर बनकर पूरी दुनिया में निकलूंगा, और वक्त ने साबित किया, वो निकले, उन्होंने हर मौके पे कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। और दूसरा जो उसका पर्सपेक्टिव है वो है कश्मीर की अपनी जद्दोजहद, एक अपनी आज़ादी के लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं। और देखें, आप 6 महीने तक, आप 1 साल तक, आप 1.5 साल तक कर्फ्यू नाफिज रख सकते हैं, आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट को, आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहां जाने से रोक सकते हैं, लेकिन उस जिस दिन ये चीजें हल्की सी रिलैक्स होनी शुरू होंगी, इनमें इलास्टिसिटी आएगी, तो आप देखेंगे कि अंदर से ही कश्मीर के दोबारा वो तहरीक उठेगी, वो आज़ादी की तहरीक उठेगी। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। कश्मीर की जो अंदर से आज़ादी की तहरीक उठेगी और जो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर दुनिया को उसके बारे में तो बता रहा होगा कि इंडिया कर क्या रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सिटीजनशिप एक्ट बिल है, उसके बाद तो पूरा इंडिया ही कश्मीर बनता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, एक और बड़ी अहम बात सामने आती है, और वो वजीर आजम जो है इस डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अपनी मुलाकात में कहते हैं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में फौज मेरे साथ है और जब से मैंने इक्तदार संभाला है मेरा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ फौज के साथ। और उन्होंने फिर गुज़श्ता हुकूमतों के हवाले से भी बात की कि उनका जो है वो इस तरह की हारमोनी जो है सिविल मिलिट्री हारमोनी नहीं देखने में आ सकी, कुछ वजूहात भी उन्होंने बताई। तो ये वजीर आजम एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक्सप्रेस करना जरूरी था? ये क्यों कहा गया, ये जुमले क्यों अदा किए गए वजीर आजम की जानिब से? ये तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क में जो सिविल और मिलिट्री हैं वो साथ साथ ही खड़े होते हैं, तो व्हाई डिड ही मेंशन इट स्पेसिफिकली? ठीक है नीलम, बेसिकली वजह ये थी कि अगर आपको याद हो पिछले 5 साल में काफी देर मिसअंडरस्टैंडिंग और काफी चलता रहा, बात भी होती रही और कन्वे भी ये कह रहे थे हम तो ये करना चाहते हैं, हमें फौज नहीं करने देती है।
एंड दैट यूज टू कन्वे अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज एंड वाइब्स टू द वर्ल्ड के जी हम जीएचक्यू से बात करें या सिविल गवर्नमेंट से बात करें. आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू में जब वो बात करते हैं इनका मतलब ये है कि फौज अवाम और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पे हैं एंड वी हैव द सेम पॉलिसी, चाहे वो करतारपुर की आप बात करें या अमेरिका गए हैं वहाँ पर जो आप चीफ आर्मी स्टाफ साथ थे. तो इसका एक मैं यही सवाल लेकर यहाँ पर सेंटर गौस अहमद खान न्याजी साहब आपकी जानिब जाऊंगी. वजीर आजम ने बड़ा स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में मेरी फौज मेरे साथ खड़ी है और जब से हम इक्तदार में आए हैं हमारा फौज के साथ किसी किस्म का कोई जो है इख्तलाफ नहीं है. और उन्होंने गुज़श्ता हुकूमतों का भी जिक्र किया और वजह भी बताई कि क्यों गुज़श्ता हुकूमतों के इख्तलाफ रहे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने सहल नहीं नजर आए. तो आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट देना वजीर आजम का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये जेब देता है? मैं तो हैरान हूँ कि पहले ये जब अमेरिका के हॉस्टल में तो वहाँ क्या स्पीच की, क्योंकि मैं जाकर नवाज शरीफ पेश करवा दूंगा, नाश्ता बंद करा दूंगा, खाना बंद करा दूंगा. मतलब ये मिचोर सी बात है कि मैं और मिलिट्री मतलब मिलिट्री की जो लीडरशिप है हम एक पेज पे हैं, ये क्या बताने की जरूरत है? इसका मतलब है आप एक पेज पे नहीं है, वो तो यही समझे के ना कि एक पेज पे नहीं है. और इसका मतलब है कि ये अगर मुल्क में मुआशी जो हालात हम जो हैं जो दूसरे हैं तो क्या समझे कि इसकी मिलिट्री भी मतलब अपनी नाकामी का बोझ इनडायरेक्ट वो अपनी हमारी फौज पे डाल रहे थे कि जी उसके बुढ़ की हमारी मदद है इसके बावजूद हम कामयाब नहीं रहे, इसका मतलब यही है. तो ये मेरे ख्याल में एक गैर जिम्मेदारा बयान है. फौज हमारी डिफेंस के लिए है, फौज हम कदर से देखते हैं और कभी हमारे फौज के इख्तलाफ हो भी दो तो हम तो दुनिया में जाके ये नहीं कहते कि हमारे फौज के इख्तलाफ हैं, कि हम अगर है तो वो अपने घर में इख्तलाफ हल करने हैं ना. ये कुछ नहीं बताना है कि हमारे इख्तलाफ अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात तो आर्मी से अच्छे हैं या बुरे हैं. ये तो एक अपने आप देखने से दुनिया को बता रहे हैं और सारी दुनिया को बताया. लेकिन लेकिन नून लीग का तो फैक्ट है कि काफी टर्बुलेंट आपका रिलेशनशिप रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप काफी टर्बुलेंट रहा है. तो क्या फर्क है? तो ये तो थोड़ा बहुत होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है इधारों में, इससे होता है. देखिए दुनिया में जाके आपको मौका मिलता है कि पाकिस्तान की आप वहाँ अच्छी तारीफ करें कि पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, वहाँ इतनी अच्छी फिजा है, वहाँ सिक्योरिटी की पोजीशन अच्छी है, वहाँ फॉरन मिनिस्टर रहे, हमें जीएसटी प्लस जो टेम्परेरी मिला है उसको परमानेंट करें, इस पर बात होनी चाहिए थी. न कि हम इस बात को उजागर करें कि हमारे मिलिट्री के साथ ताल्लुक अच्छे हैं. इसका मतलब है कि मिलिट्री के साथ ताल्लुक तो अच्छे होने के बावजूद जो है आप निकम्मे साबित हो रहे हैं और पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, चाहे डॉलर करें चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आप देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% कम हुई है और मतलब महंगाई कितनी बढ़ी है. लेकिन हमें तो वजीर आजम साहब कहते नजर आए, नवेद चौधरी साहब. ऑलराइट, नवेद चौधरी साहब, वजीर आजम इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर वो अपने खिताबात में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से टूरिज्म डबल हुई है उनके इन 16 माह की रजीम के दौरान. और उन्होंने ये भी कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 200% जो है वो इजाफा हुआ है. तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ला रहे हैं, हुनरमंद प्रोग्राम भी ला रहे हैं, स्किल प्रोग्राम अपने यूथ को जो है ट्रेन और स्किल देने के लिए. तो यहाँ पर जो वजीर आजम है वो तो एक बहुत, और उन्होंने ये भी कहा वो मिल भी रहे हैं हमारे सामने है, यूट्यूब की सीईओ हो गई, आईएमएफ की प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करी उन्होंने, जो सैप है कहा जा रहा है, सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि एक स्पेशल जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है सॉल्यूशंस के लिए, उनसे भी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं. उन्हें पाकिस्तान का जो डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसमें भी लुक ओवर करने की दावत देते नजर आ रहे हैं. तो ये फिर हमें इतनी बिटरनेस क्यों नजर आती है मुल्क के अंदर अगर हम देख लें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान का पोर्ट्रे किया. देखें, आपने जो पहला सवाल किया था उसी के अंदर नज़र आ गया कि कहाँ आप गवर्नमेंट खड़ी है. ये गवर्नमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. जब एक जमहूरी गवर्नमेंट होगी तो उसके अंदर तमाम अदारे उसके साथ होते हैं. लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर हारमनी है तो इसका मतलब है कि वो जो बातें जो प्रोपोगंडा इंडिया या दूसरी फोर्सेज कर रही हैं कि जी असल में रन जो है ना वह हुकूमत को फौज चलाती है ना कि ये हमारे अदारे चलाते हैं, तो वो उनकी खुद ही एडवोकेसी कर रहे हैं. तो मैं समझ रहा हूँ इमेच्योर स्टेटमेंट थी जो उन्होंने वहाँ दी है, ना इसकी ज़रूरत थी ना इनको. आपके अपने एक्शन से पता चल जाता है, जो लोगों की एजेंसीज हैं, जो लोगों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको पता चल जाता है कि कौन कहाँ खड़ा है. आज जो जब भी होता है जनरल बाजवा साहब की तरफ क्यों देखती है,
पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो इसलिए देखती है क्योंकि द पावर रेस्ट विद देम विद हिम नॉट विद विद इमरान खान। और इमरान खान साहब ने अगर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ, ना ये यहाँ ना प्लेटफॉर्म था ना ऐसा बात थी। और जहाँ तक आपने इकोनॉमिक पोजिशन की बात की तो वो तो आपको सबने नज़र आ रहा है, ना आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्टर इशरत के अभी स्टेटमेंट में बता दिया गया कि क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स की जगलिंग है और नथिंग एल्स। असल बात यह है कि आप इकोनॉमी तौर पे डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं, आपके पास हालात इंडिकेटर को ऐसे नहीं है जिसमें नज़र आ सके कि आपकी शरह नमू कितनी बढ़ सकेगी, आने वाले वक्त में जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकेगा कि नहीं, ये नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, देखें IMF का आप एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको तो अपने प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट है कि अब उनका प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसके लिए दो बंदे बहुत मुनासिब हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरा हफीज शेख साहब। और जब आपके अपने FBR के चेयरमैन ये कहते हैं कि हमारा निज़ाम बिल्कुल नकारा है, हम इस काबिल नहीं है कि टैक्स रिकवर कर सके, तो फिर कौन सी इकॉनमी बेहतर हो रही है? मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ मुल्क में कौन सी इकॉनमी के इंडिकेटर बेहतर आ रहे हैं। ये कहते रहे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारे चीजें आ रही है। काजी अहमद अकबर साहब, हम फिर FATF पर भी बात करेंगे, लेकिन आप अगर पहले इस बात पर रिस्पॉन्स कर दें कि क्या गैर जरूरी था वजीर आजम का ये मेंशन करना कि मेरी फॉरेन पॉलिसी के साथ हमारी फौज भी साथ खड़ी है, और ये कि जब से एक साल से हम आए हैं इक्तदार में हमारा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। और फिर जो ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल मामलात हैं, उन्होंने फिर गुज़िश्ता हुकूमतों के हवाले से भी बात की, तो ये जो इंटरनल मामलात हैं क्या इनको इंटरनेशनल फोरम पर ले जाकर एक्सपोज करना जरूरी है या गैर जरूरी था? देखें नीलम, एक बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें कोई लगभग 4 दफ़ा जो है वो फ़ौज हुकूमत में रह चुकी है, और कोई माने या ना माने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज इस मुल्क का मजबूत तरीन इदारा है और हमारी सलामती का एक निशान है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात करके दुनिया को ये मैसेज दिया है कि एक मजबूत पाकिस्तान का मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है और जो फ़ौज है वो बिल्कुल इकट्ठे कड़े में, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज किस कदर मजबूत है। पाकिस्तानी फ़ौज अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ मुल्क के अंदर एक्सरसाइज नहीं करती, वो अपने बाहर अपने रीजन में और इस दुनिया में भी एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी फ़ौज रखती है। तो लिहाजा अगर दुनिया को प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये मैसेज गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज और जो सिविल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक पेज पर है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें प्रॉपरली अलाइंड है, और जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि हम वी विल ओनली स्टैंड विद पीस, तो इसमें किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि फौज कोई इससे हटकर कोई फैसला करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे तो एक मजबूत पाकिस्तान का तासुर दिया गया। अगली बात आपने जो की वो मेरे भाई ने अभी बड़े भाई हैं उन्होंने FBR के हवाले से बात की, तो आप उन्होंने जो जबरदस्ती साहब की स्टेटमेंट थी वो इस हवाले से थी कि हमें FBR को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस टाइम इसी गवर्नमेंट ने 25%, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपके कस्टम्स हो, उनने 25% इजाफा किया है रिकवरीज में। तो इसका मतलब कि सिस्टम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है। आज अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है। इम्पोर्ट्स को गिराया गया है, और उनको गिराने के बाद ये भी ध्यान में रखें कि 6.5% उन इम्पोर्ट्स में इजाफा हुआ है। लेकिन आप मशीनरी को बढ़ाने के चक्कर में आप आवाम का आटा भी एक्सपोर्ट कर गए। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ये एक नई बहस है, ये एक नई बहस है। अगर हमने आज भी हमारे पास 4.2 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद है, मैं पब्लिक रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, अब डबल प्राइस पर या ज्यादा प्राइस पर इंपोर्ट हो रहा है वापस। ऑलराइट, यहाँ पर हारिस नवाज साहब, अब इस वक्त हम अगर FATF की बात कर लें तो बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो इस वक्त जारी है बीजिंग में, उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो 27 कंडीशंस थी, सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद की जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है, और उस पर FATF की जानिब से इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। अब आप इन सिफारिशात में अगर हम मेजर कंडीशंस को सामने लेकर आए तो उसमें दहशतगर्दों की फंडिंग को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की जो माली मामलत है उनके खात्मे जैसे मामलात जो हैं वो शामिल हैं, और पाकिस्तान की जानिब से हर शरायत पर कहा गया है कि अमल कर लिया गया है। क्या आपको लगता है कि FATF पाकिस्तानी इन जो मेजर्स ली गई हैं पाकिस्तान की जानिब से उससे मुतमइन हो चुका है या हो जाएगा? देखें, पाकिस्तान ने बहुत कंसर्टेड एफर्ट करके और किसी हुकूमत ने इतना नहीं किया जो FATF के लिए पाकिस्तान इकदाम उठाए और फिजिकल उठाए हैं
और वो सारे वहां पर बयान भी किए गए हैं। इश्यू जो है देखिए, अमेरिका के लिए हमने क्या कुछ किया है, आप अफगानिस्तान में देखें, हमने पहले लड़ाई लकी, अपनी दहशतगर्दी ख़त्म कर दी प्रोफेशनल तरीके से, उसके बाद हमने पीस प्रोसेस पे बहुत काम किया। अमेरिका के भी उसके बाद ना आपने एटलीस्ट आपको कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे सके। इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी वो बात नहीं बन सकी जो फ्रांस जाहिर है के पीछे हमें पता है कि कौन था। अमेरिका को पाकिस्तान को फेवर करने के लिए दो चीज नजर आनी चाहिए। वन, एफएटीएफ में अमेरिका कैन पुश एंड विद जनरल हमारी जो एफर्ट हमने काम की उसकी वजह से एफएटीएफ से निकालना चाहिए। आई थिंक अमेरिका चाहता है कि हम ग्रे लिस्ट में रहें, हम अंडर प्रेशर रहें, हम सीपैक के लिए उसी तरह डिले होते रहें, इंडिया को भी इस्तेमाल करता रहे क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंडशिप भी है। सेकेंड, आपको कम से कम कोलेशन सपोर्ट फंड जो हमारे इतना ज्यादा वहां पर जमा हो गया वो तो उनको देना चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरी सिक्योरिटी असिस्टेंट होती थी वो भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें उन्होंने कहाँ रिलीफ किया है? ये चीजें हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका का कितना इंटरेस्ट जो कॉ इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान की तरफ वो रिटोरिक जो बात कर रहे हैं। अमेरिका तो फिर डबल गेम खेलता नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, वो तो फिर डबल गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कल हम देखते हैं कि वजीर आजम जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहते हैं एफएटीएफ पर सपोर्ट के लिए, वो तो उनसे एफएटीएफ पर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ यूएस है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ से निकले ग्रे लिस्ट से। अल्टीमेट जो है वो सीपैक को अफेक्ट करवाना है, यूएस का गोल। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान निकल आएगा ग्रे लिस्ट से एफएटीएफ की? मुझे तो यही लगता है कि फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखेंगे। आई विश कि पाकिस्तान शुड बिकम वाइट और बिल्कुल निकल जाए इस प्रॉब्लम के अंदर से जो तलवार लटक रही है और इंडिया इसमें मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। इससे क्लियर पता चल जाएगा कि अमेरिका कितनी पाकिस्तान से फ्रेंडशिप रखता है, कितना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करता है जब वो कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, आई लाइक इट, लाइक द पर्सन। देन एटलीस्ट कोई एक मैनिफेस्टेशन जो हो जहां पता चले कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बेल आउट किया, और सबसे बड़ा जो है वो है एफएटीएफ की। अभी पता चल जाएगा कि अमेरिकन पाकिस्तान की सपोर्ट चाहे अफगानिस्तान में हो, कितने सिंसियर है। लेकिन सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, ऑल राइट, सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब, अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि एफएटीएफ का जो इस वक्त सेशन है वर्किंग ग्रुप का वो जारी है और हमें पता चल जाएगा कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं, लेकिन अमेरिकन रोल को अगर हम देखें तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, एक तो वो खुद उनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट ट्रायल इस वक्त चल रहा है उनके अपने मुल्क में, तो ऐसे प्रेसिडेंट की जेस्चर्स का किस हद तक जो है पाकिस्तान को असर लेना चाहिए, जब वो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कहते हैं कि हम और ये दोस्त हैं, फिर वो पाकिस्तान विजिट करने का भी अंदिया दे देते हैं, तो इस तमाम सिनेरियो में उनकी ये तमाम अश्योरेंसेस कितनी इफेक्टिव समझनी चाहिए? ट्रंप का इस साल में 2 नवंबर या गालबा 3 नवंबर को इलेक्शन है, तो वो तो अपने इलेक्शन की तैयारियों में है, वो तो पॉइंट स्कोर के चक्कर में है कि मैं आवाम के पास जाऊं कि मैंने अफगानिस्तान से अपनी फौज निकाल ली है और मेरा मकसद जो है वो हल हो गया है, अफगानिस्तान अफगान तालिबान और गवर्नमेंट की सलाह करा के एक हुकूमत बनाना चाहता है और अपनी फौज निकालना चाहता है और अपने ये पॉइंट स्कोर करके अगले इलेक्शन में जाना चाहता है, तो वो इसके लिए डेस्परेट है, वो कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। और ये जो खान साहब कहते हैं कि भी आर्मी और हम एक पेज पे, ये दुनिया को खुद पता होता है कि आर्मी और आप की पाकिस्तान में आर्मी की क्या पोजीशन है या आपकी क्या पोजीशन है या सिविलियन की क्या पोजीशन होती है। आप देखें कि पिछली जब ईरान के साथ जब अमेरिका की चक्करश हुई तो उन्होंने जो अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा है पंपी, उन्होंने आर्मी चीफ को फोन किया, अमेरिकन जो वजीर दिफा है थॉमसन नाम है क्या बात है, उन्होंने भी जो है आर्मी चीफ को फोन किया, आप इमरान खान को तो नहीं किया, तो इमरान खान को ये बताने की जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान के अंदर भी हालात का इल्म है, ये बात करके उन्होंने अपनी कमजोरी शो की है। और वो कभी भी अमेरिका जितना हमेशा जब पाकिस्तान की अमेरिका की जरूरत रही है वो बिल्कुल ही ठीक रहा है, चाहे पहले जो अफगानिस्तान में रशिया। लेकिन यहाँ पर नवेद चौधरी साहब, ठीक नवेद चौधरी साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिफारिशात इस वक्त 27 सिफारिशात पर पाकिस्तान ने मेजर्स ले ली हैं दहशतगर्दों की जो फंडिंग है उसको रोकने के हवाले से, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और जो ये दहशतगर्दों की माली मामलत है इसके खात्मे जैसे जो इश्यूज हैं इस पर पाकिस्तान ने काम किया है, आपको लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से? देखिए हमारी ख्वाहिश है कि निकल जाए, लेकिन नहीं निकल रहा। इसमें
ये पेरिस वाली जो मीटिंग है उसके अंदर शायद चांसेस हैं निकलने के, इस मीटिंग में तो नहीं है जो कि अब जून में और सितंबर में होनी है, क्योंकि बात यह है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, देखना यह है कि आपने टॉलरेंस लेवल कितना बढ़ाया है, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल है बड़ा कि नहीं बड़ा। अगर आपका अपना प्राइम मिनिस्टर जो जबान इस्तेमाल करते हैं अपने सोशल मीडिया के जो कैंपेन के दौरान और जो उनको उनसे बात करते हुए किसी को गटर की पैदावार किसी को कुछ कह रहे हैं, तो आप कहाँ ग्रे लिस्ट से निकलने की बात कर रहे हैं। आपके एक्शन का रिएक्शन रहेगा वो देखें, उन्होंने अगर किसी पे अनाउंस किया हुआ है कि कोई कुछ शख्स के नाम कि वो जो टेररिस्ट हैं उनको सजा दी जाए, कि आपने सजा दी नहीं दे सके, तो ये चीज़ें आप उसको देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका और इंडिया का नेक्सस बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, और उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर वो उनको उसी नेक्सस पे रहेंगे तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ला के अफगानिस्तान के अंदर जो रोल अदा करना चाहते हैं वो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अभी उनको आपका ग्रे लिस्ट से निकलना उनको सूट नहीं कर रहा, हमें इसके लिए एक्शन के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। देखा, लेकिन हमें इंटरनली तौर पर भी अपने अंदर जो टॉलरेंस का लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि आप अपने मुखालफिन को जिस तरीके से बातें करते हैं और जो कुछ कहा जाता है वो आपके सामने है, तो आपके कॉल और फेल में फर्क नजर पूछ लेते हैं। ऑल राइट, काजी अहमद अकबर साहब, हम एक नेशनल लेवल के इशू पर भी आ जाएं। आई एम श्योर के आपने भी सुना होगा कि इस वक्त जो पंजाब है उसकी सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी जो है कहा जा रहा है उसमें इजाफा हो चुका है। हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो 20 नाराज अरकान हैं उनका फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आ चुका है और उन नाराज अरकान को जो है सीएम ने भी बुला लिया है कल, तो इससे क्या समझा जाए कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत अब खतरे में नजर आ रही है। फिर ये भी है कि पंजाब में जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके जरिए काफ लीग के मामला तय पाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बराह रास्त अब परवेज इलाही साहब से भी जो है ब्यूरोक्रेसी को अहकाम जारी जो है वो होने के इतलात हैं कि वो अब कर सकेंगे ब्यूरोक्रेसी को जारी डायरेक्ट अहकाम दे सकेंगे। तो इस पर अब क्या कहा जाए, वजीर आला उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने जहांगीर तरीन से भी शिकायत की है कि इस अमल से उनका जो प्रैक्टिकल उनका जो अमली तौर पर अथॉरिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो पंजाब में हो क्या रहा है? नीलम, मैं जल्दी से पहले तो FATF पे आपको बताऊं, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को मुकम्मल तौर पे इंडोर्स करूंगा कि जितना काम इस गवर्नमेंट के दौर पे FATF के हवाले से किया गया और फिर पार्लियामेंट में हमारे तमाम जो अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पे हमें सपोर्ट किया और एक बिल भी इस हवाले से पास हुआ जो कि FATF की एक रिक्वायरमेंट थी, तो मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने बुल जाए पर हिट किया है कि अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है इसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, मलेशिया है, तुर्की है, वो तो हमारे साथ खड़े पिछली दफ़ा भी थे, अब इस दफ़ा ऐसे टेस्ट है कि जो बार बार रिटोरिक एक आ रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, तो पता चलेगा कि इस दफ़ा वो हमें इस पे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। उससे मैं समझता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंट की इंटेंशन सामने आ जाएगी। और दूसरा पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसके भी दो पैराए हैं। एक तो आपने मुझसे बात की उन 20 अरकान की, वो जो 20 हमारे MPA दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो PTI से नाराज नहीं है किसी तरीके से भी। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होने जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर साहब पूरी करें, और उनकी बेसिक डिमांड्स जो हैं उनमें जो सबसे मेन जो उनकी ज़रूरत है या उनकी जो सबसे बेसिक डिमांड है वो उनके हलकों के फंड्स के हवाले से है। तो CM साहब ने आपने खुद ही कहा उनको बुलवा लिया है, आप देखेंगी कि वो इशू एड्रेस हो जाएगा। जो मौलाना सलाई साहब की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई है ये बेसिकली उस पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत हुई है जो कि पंजाब हाउस में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि सर्टन डेवलपमेंट का शेयर भी काफ लीग के MPAs को पार्लियामेंटेरियंस को दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ और पावर शेयरिंग के भी मामलात थे, उसी हवाले से मीटिंग हुई है। इसमें कोई चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को डिफंड करने के लिए या उनकी पावर से कम करने के लिए ये मीटिंग नहीं की। 20 ताराज अरकान को जो है मनाने में कामयाब होंगे या नहीं? चौधरी शुजात हुसैन का तो जो आज की स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि हमारी जमात का हुकूमत के साथ इत्तेहाद है, हमें महज इत्तेहादियों की कैटेगरी में ना रखा जाए। तो अब इस स्टेटमेंट से तो जाहिर होता है कि काफ लीग के हुकूमत से इख्तलाफात जो है वो मुलाकातों के बावजूद भी खत्म नहीं हो रहे हैं। नवेद चौधरी साहब क्या फरमाइएगा इस सिचुएशन पर? जहां फॉरवर्ड ब्लॉक का तो ये मेरे भाई कह रहे थे कि जी वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, जैसे आपको याद होगा नून लीग के दौर में
जब वो बना था एक जनूबी पंजाब का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के आया था और बाद में वो कहा गया पीटीआई में वो ज्वाइन कर गया। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हो चुका हुआ है। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक है, वो ऑलरेडी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इस चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल एक पपेट के तौर पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। अब उनके पास अख्तियारत कोई नहीं है, अख्तियारत सारे ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इत्तेहादी वैसे ही अब नाला है, चाहे वो एमकेएम ले लें, चाहे चौधरी शुजात साहब को पीएमएलक्यू ले लें, चाहे मेंगल साहब को ले लें। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के नाम की चीज तो खत्म हो गई है। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, 10 सेकंड्स आप अपना कंक्लूसिव आंसर ऑन पंजाब पॉलिटिक्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद चौधरी साहब, काजी अहमद अकबर साहब, हारिस नवाज साहब और सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पंजाब हुकूमत के से ब्यूरोक्रेसी भी नाराज़ है या एक वर्किंग रिलेशनशिप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और फिर अब उनके अपने अंदर के जो 20 MPAs हैं क्या कल की मीटिंग में वो राज़ी होते नज़र आएंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।